So in today's class, we are going to start with the third portion of the structure of the nucleus, and that is chromatin. बात करेंगे क्रोमेटिन के बारे में. जब भी हम बात करेंगे क्रोमेटिन के बारे में, हम यहाँ पर क्रोमोसोम इंक्लूड करेंगे. मेजरली हम एक जेनेटिक मटेरियल को इंक्लूड करने जा रहे हैं, दैट इज डीएनए. राइट, डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड. अब इसको हम जेनेटिक मटेरियल कहते हैं. हमारे जो महान वैज्ञानिक होते हैं, साइंटिस्ट हैं, उन्होंने प्रूव किया है कि जो डीएनए है दैट इज जेनेटिक मटेरियल. राइट, हमें एक स्टेटमेंट दिया है कि आवर सेल्स जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए विच इज ट्रांसफर फ्रॉम द वन जनरेशन टू द नेक्स्ट वन. तो सवाल ये उठता कि डीएनए के अलावा एक इंडिविजुअल सेल में आपको प्रोटीन्स, लिपिड्स, इवन आरएनए भी देखने को मिलते हैं. राइट, तो हम किस बेसिस पे ये कह रहे हैं कि जो डीएनए है वही हमारा जेनेटिक मटेरियल है? तो उसके लिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी कैन से दैट डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल. जैसे कि एक जेनेटिक मटेरियल कैसा होना चाहिए? एक जेनेटिक मटेरियल की एक खास बात होनी चाहिए कि वो इजीली एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास ऑन हो विद इट्स कंप्लीट कैरेक्टर्स. राइट, अपने सारे कैरेक्टर्स को लेकर. एक और कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए कि अगर उसमें कोई डैमेज होता है, छोटा मोटा डैमेज हो जाए, तो उसके पास वो एबिलिटी होनी चाहिए कि वो क्या करे, उस डैमेज को रिकवर कर सके. डैमेज रिकवर की कैपेसिटी होना चाहिए. ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंस होता है जो बाकी आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा, ना प्रोटीन में देखने को मिलेगा ना लिपिड में, जो इजीली डिसोसिएट भी हो जाते हैं. राइट, तो यहाँ अब जब हम डीएनए की बात करेंगे और उसके सामने मैं कंपेयर आपको आरएनए करवाऊंगा. आरएनए दैट इज राइबो न्यूक्लिक एसिड. तो दोनों में से अगर हम बात करें तो डीएनए को डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड कहते हैं, जबकि आरएनए को सिर्फ राइबो न्यूक्लिक एसिड कहते हैं. ठीक है, दोनों में राइबो शुगर तो प्रेजेंट है ही, तो ऐसा क्या डिफरेंस है कि डीएनए को हम डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड कहते हैं? तो डीएनए को हम डीऑक्सी कहते हैं, रीजन क्या है कि वहां पर ऑक्सीजन लेके कमी है. राइबो शुगर के कार्बन नंबर सेकेंड पे आपको ऑक्सीजन देखने को नहीं मिलेगा, जबकि अब अगर आरएनए की बात करें तो आरएनए के स्ट्रक्चर में जो राइबो शुगर है उसमें आपको सेकेंड कार्बन की पोजीशन पे आपको ऑक्सीजन भी साथ में देखने को मिलेगा. रहे तो अब यहाँ क्या लिखा है, क्रोमेटिन आपको कब देखने को मिलता है? जनरली जब हम क्रोमोसोम की बात करते हैं, डीएनए जो थ्रेडलाइक स्ट्रक्चर है, राइट, वो पूरा का पूरा कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाता है, क्योंकि एक इंडिविजुअल सेल में इतना बड़ा डीएनए कैसे रह पाएगा. राइट, अगर हम इसकी बात करें तो जनरली एक इंडिविजुअल सेल के अंदर करीबन 2.2 मीटर की लेंथ का डीएनए मॉलिक्यूल होता है. कितना होता है? 2.2 मीटर लॉन्ग. राइट, अब इतना लंबा है तो उसको किस तरीके से, तो पूरा कॉइल्ड करके रखना पड़ता है. तो ये जो डीएनए है स्ट्रेट, इसको जब कॉइल करेंगे तो उससे एक छोटा सा स्ट्रक्चर बनेगा जिसको हम कहते हैं क्रोमेटिन. एक सिंपल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनता है, या फिर हम उसको कहते हैं क्रोमेटिन फाइबर. दो नाम है बच्चों, एक ही क्रोमेटिन एंड द सेकंड वन इज क्रोमेटिन फाइबर्स. कंडेंस स्ट्रक्चर नहीं है, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है. अब सेल डिवीजन के टाइम पे माइटोसिस एंड मियोसिस, सेल डिवीजन के दो टाइप है, एक होता है माइटोसिस एंड सेकंड वन विल बी द मियोसिस. अगर हम माइटोसिस की बात करें तो माइटोसिस क्या है, इक्वेशनल डिवीजन है जिसमें जितने भी क्रोमोसोम नंबर है इक्वली डिवाइड होते हैं. यानी कि अगर 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम एक सेल के सर्वाइवल के लिए रिक्वायर्ड है तो 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम पहले डबल हो जाएंगे. क्या हो जाएंगे? डबल हो जाएंगे और फिर दो अलग अलग सेल में सेपरेट होकर 46 46 क्रोमोसोम जाएंगे. जनरली माइटोसिस जो प्रोसेस है वो सोमेटिक सेल में होती है, मियोसिस जो है वो जर्म सेल में होती है, और उसको हम रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं. जर्म सेल या फिर हम उसको कहते हैं सेक्स सेल, जिसमें हम इंक्लूड दो सेल को करते हैं, एक है स्पर्म सेल और दूसरा हम सेल इंक्लूड करते हैं दैट इज एग सेल. तो अगर हम बात करें किसी मेल पर्सन की या फीमेल पर्सन की, तो उसके स्पर्म सेल्स और एग सेल को छोड़ के बॉडी के सारे सेल्स को हम सोमेटिक सेल कहते हैं, और उसमें क्या होता है, माइटोसिस से सेल डिवीजन. राइट, तो जब भी ये सेल डिवीजन होता है तो ऑब्वियसली या तो क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाएंगे या फिर डबल होके फिर वापस हाफ होंगे. राइट, सो ड्यूरिंग सेल डिवीजन क्रोमेटिन फाइबर्स दैट गोइंग टू बिकम कंडेंस टू फॉर्म अ थिक स्ट्रक्चर एंड दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज क्रोमोसोम. अब यहाँ आपको क्या बनाना है, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर बनाना है. आपने ऑब्वियसली क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर देखा हुआ है जो एक्स शेप का होता है. किस शेप का होता है? एक्स टाइप के शेप का होता है. राइट, तो क्रोमेटिन क्या हो गया भाई? क्रोमेटिन इज अ सब्सटेंस
within chromosome which is consisting of a DNA and a protein. अब यहाँ प्रोटीन जो है वो है हिस्टोन प्रोटीन। अगर हम बात करेंगे यहाँ पर कि भाई इसमें कौन सा प्रोटीन हमने यूज़ किया है, हमने यूज़ नहीं किया, इंडिविजुअल सेल ने उस डीएनए को क्या किया है कॉम्पैक्ट बनाने के लिए जिस प्रोटीन को यूज़ किया है, दैट इज नोन एज हिस्टोन प्रोटीन। क्या कहते हैं उसको, हिस्टोन प्रोटीन। अगर मैं इसके टाइप की बात करूँ तो इसके करीबन मेजर चार टाइप है। एक है H1, सेकेंड इज H2, थर्ड इज H3 एंड फोर्थ इज H4। ऐसे चार मेजर टाइप्स है, लेकिन जनरली हिस्टोन के पांच टाइप्स है, जिसमें जो आपको ये H2 दिख रहा है वो दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, H2A एंड H2B, राइट। तो टोटल हिस्टोन प्रोटीन के कितने डिवीजन हो गए, टाइप्स हो गए पांच, H1, H2A, H2B, H3 एंड H4। ये प्रोटीन जनरली क्या करते हैं, क्रोमोसोम के साथ क्रोमोसोम का पूरा कंडेंस स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प करते हैं। डीएनए के साथ ये धीरे धीरे अटैच हो जाएंगे, एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाएंगे, ऑक्टामर बनाएंगे, जिसमें H2A, H2B, H3 एंड H4 ये चार प्रोटीन अलग अलग अरेंजमेंट दिखाएंगे। किस तरह की अगर अरेंजमेंट में बात कर रहा हूँ तो अरेंजमेंट कैसी होगी, जैसे मैं यहाँ बना के आपको दिखा रहा हूँ, ऐसे कुछ चार गोले बनेंगे एक दूसरे के साथ, ये प्रोटीन एक दूसरे के साथ कुछ तरीके से अटैच हो जाएंगे, राइट। अभी चार प्रोटीन है, एक है ये है H2A, ये है 2B, ये कौन सा है 2B, ये है H3 और ये है H4। H में नहीं लिख रहा हूँ, आप कंसीडर कर लीजिएगा, राइट। अब यहाँ पर जो ये हमें क्या बनाना है, ऑक्टामर बनाना है, जिसमें करीबन 8 मॉलिक्यूल आते हैं। ऑक्टामर का मतलब होता है 8 मॉलिक्यूल, राइट। तो यहाँ पर सेम जो ये आपको चार मॉलिक्यूल प्रोटीन के अटैच हुए, उसी टाइप के चार उसकी एग्जैक्ट कॉपी बगल में दूसरी अटैच होगी। मतलब कि यहाँ 2A कितने आ जाएंगे, टोटल 2A के दो प्रोटीन आ जाएंगे, इसके पीछे एक और लगा होगा 2A, राइट। जबकि यहाँ पर एक और लगा होगा, दैट इज 2B, यहाँ लगा होगा 2B, 4 के पीछे एक और लगा होगा और 3 के पीछे भी एक और लगा होगा। तो ऐसे मिलाकर टोटल 2A के कितने हो जाएंगे, H2A दो आ जाएंगे, H2B दो आ जाएंगे, H3B दो और H4B भी, तो टोटल हो जाएंगे 8 प्रोटीन। टोटल कितने हो जाएंगे बच्चों, 8 प्रोटीन। अब ये 8 प्रोटीन जो है ये मिलके क्या करेंगे, एक ऑक्टामर बनाएंगे। क्या बनाएंगे, एक ऑक्टामर बनाएंगे, और ये जो ऑक्टामर है उसके आसपास ये जो क्रोमेटिन थ्रेड है वो कुछ इस तरीके से सर्कल फॉर्म में अटैच होगा, राइट। अगर इसको किसी और कलर से अगर आपको दिखाऊं, जस्ट ठीक है, अब इसको हम एक और कलर से रिप्रेजेंट में करता हूं तो आपको इजीली आइडिया रहेगा समझ में। जैसे ये ब्लू है वो मान के चलिए डीएनए थ्रेड है, आया यहां पर इसके पीछे ऐसे गया, घूमा और फिर निकल गया, ठीक है। तो ये एक आप ये मान के चलिए जो थ्रेड आता है ना, जब हम काइट फेस्टिवल करते हैं, पतंग लेके जाते हैं, तो उसका जो थ्रेड आता है वो हम कैसे एक छोटे से बोल या किसी मटेरियल के ऊपर गोल गोल घुमा के लगाते हैं ताकि वो पूरा कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बने, तो सेम डीएनए ने ऐसा किया, राइट। अब ये डीएनए यहाँ पर घूम के कहाँ जाएगा भाई, निकलेगा ऑब्वियसली, ये यहाँ से गया, घूमा एक और चक्कर लगाकर, ये वापस यहीं से निकल के गया और ये सेम दूसरे गोले के साथ गया घूमने। अब ये जो दो मॉलिक्यूल डीएनए के निकले हैं, चांसेस रहते हैं कि यहाँ पर अटैचमेंट लूज हो, ऐसा ना हो, इसलिए इन दोनों थ्रेड को बांध के रखने का काम करता है H1, प्रोटीन का नाम है H1 जो यहाँ पर प्रेजेंट होता है, और इसका फंक्शन क्या हो गया, इन दोनों थ्रेड को जो गोले से बाहर आ रहे हैं उसको अटैचमेंट प्रोवाइड करना, ताकि वो उस पूरे ऑक्टामर से डीएनए का जो थ्रेड है वो बाहर निकल के ना जाए, राइट। अब ये डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो इसके डिस्कवरर कौन है, किसने डिस्कवर की थी, अगर मैं इसकी बात करूं तो साइंटिस्ट का नाम क्या है, नोट करिए आप, ई स्ट्रेस बर्गर। वो खाने वाला बर्गर नहीं है, ठीक है, ये कोई खाने वाला बर्गर नहीं है, 1875 की बात कर रहा हूँ। वो वॉज द डिस्कवरर ऑफ द डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमेटिन ड्यूरिंग दी सेल डिवीजन प्रोसेस। भी लिखिएगा कि भाई सेल डिवीजन के टाइम पे बच्चों, स्ट्रेस बर्गर नाम के साइंटिस्ट ने सन 1875 में क्रोमेटिन फाइबर को डिस्कवर्ड किया था। अब इस फाइबर को धीरे धीरे क्रोमेटिन फाइबर, जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पर हिस्टोन ऑक्टामर के साथ अटैच होकर क्या बनाने जा रहा है, एक क्रोमोजोम बनाने जा रहा है। ये क्रोमोजोम सन 1888 में वाल्डियर नाम के साइंटिस्ट ने एक टर्मिनोलॉजी दी थी, दैट इज क्रोमोजोम। क्या नाम दिया उसने, क्रोमोजोम।
क्रोमा का मतलब होता है कलर, देखो यहां पर डेफिनेशन के तौर पे अगर आप देखें, क्रोमा का मतलब होता है कलर और सोमा का मतलब होता है बॉडी, मतलब ऐसी बॉडी जो कलर प्रोवाइड कर रही है, क्रोमोसोम का नाम, राइट। जर्मन लैंग्वेज से क्या होता है, सारे लैटिन वर्ड्स आते हैं, राइट। बिकॉज दे गेट स्टेन विद द बेसिक डाइस लाइक बेसिक फिक्सिन एंड एसिटोकार्बन, ये दो डाई के नाम है, यानी कि स्टेन है फिक्सिन और एसिटोकार्माइन, मतलब ये बेसिक डाई से क्या हो जाएगा, स्टेन हो जाएगा, कलरफुल हो जाएगा, और ड्यूरिंग सेल डिवीजन हम इस क्रोमोसोम मटेरियल को देख सकते हैं। ये किसने टर्म दिया था, वाल्डियर ने, कब दिया था, 1888, ठीक है। नाउ अगर हम यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो हमें ये पता है बेसिक की भाई हर एक यूकैरियोटिक सेल के पास क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है। प्रोकैरियोटिक के पास न्यूक्लियस नहीं होता है, यूकैरियोटिक के पास न्यूक्लियस होता है। सो इन ऑल द यूकैरियोटिक सेल्स द न्यूक्लियस कंटेन्स डिफाइनाइट नंबर ऑफ क्रोमोसोम व्हिच इज हैविंग डिफाइनाइट साइज एंड शेप, मतलब कि क्या स्टेटमेंट कह रहा है कि आप जितने भी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को जानते हैं और इतने भी ऑर्गेनिज्म जिसको आप नहीं भी जानते हैं उनके न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम के नंबर फिक्स्ड है, राइट। एक डिफाइनाइट शेप है क्रोमोसोम का, साइज है और नंबर भी प्रेजेंट है। और ये जो क्रोमोसोम नंबर है बच्चों, वो एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म, डिफरेंट जेनेरा, डिफरेंट स्पीसीज में वेरी करता है, क्या करता है, वेरी करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एग्जाम्पल में अगर आपको एग्जाम्पल ह्यूमंस का दूं, आप सबको पता है कि ह्यूमन जो है उसके अंदर क्रोमोसोम के जो नंबर है वो होते 46, राइट। जबकि अगर मैं दूसरा एग्जाम्पल लूँ, फॉर एग्जाम्पल हॉर्स, घोड़ा, तो उसके क्रोमोसोम नंबर जो है वो होते हैं, अगर ये जेब्रा से माउंटेन किया है तो 32 होते हैं, और अगर ये परवेंसल्स नाम का एक हॉर्स आता है वो है तो 66 है। यानी कि स्पीसीज के अकॉर्डिंग, अगर मैं यहाँ पर एग्जाम्पल हॉर्स की जगह बदल दूँ एंड ले लेता हूँ कैमल, केमल यानी कि ऊंट जिसको बोलते हैं, तो वहां पर क्रोमोसोम नंबर होते हैं 74, कितने होते हैं 74, ह्यूमंस में कितने हैं 46। एक सेल को सर्वाइव करने के लिए ये मिनिमम नंबर ऑफ क्रोमोसोम है एज वेल एज मैक्सिमम नंबर, इतने तो चाहिए ही चाहिए। अब इसमें अगर एक भी क्रोमोसोम रिलीज हो जाता है, डिलीट हो जाता है या एडिशनल इंसर्ट हो जाता है, तो उससे कोई डिफरेंट कंडीशन जनरेट हो जाती है। इज दैट क्लियर टू यू एवरीवन। अब यहां जैसे मैं आपको क्रोमोसोम्स की बात कर रहा हूं, जैसे मैंने बताया आपको 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, तो अगर इस क्रोमोसोम की हम प्लॉइडी नंबर की बात करें, किसकी बात करें, क्रोमोसोम प्लॉइडी की बात करें, तो प्लॉइडी नंबर जो है दो अलग अलग तरीके से होते हैं प्लॉइडी, एक होता है एन और दूसरा होता है 2n। जनरली वैसे तो देखा जाए तो 3n भी है, 4n भी होता है एंड सो ऑन आगे। तो यहाँ एन की वैल्यू होती है 23, एन इज इक्वल टू 23, मैं बात कर रहा हूँ ह्यूमंस की बच्चों, तो 2n की वैल्यू हो जाएगी 46। तो n को कहते हैं हैप्लोइड, क्या कहते हैं n को, क्या कहेंगे हम, हैप्लोइड, इसको भी लिख देते हैं हम n, दैट इज हैप्लोइड। और अगर मैं यहां पर 2n की बात करूं तो उसको हम कहते हैं डाइप्लोइड, क्या कहते हैं हम, डाइप्लोइड क्रोमोसोम 2n, राइट। अब ये 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो एक जोड़े में रहते हैं, पेयर में रहते हैं, राइट। 2n है इसीलिए पेयर में रहते हैं, तो टोटल हो जाएगी 23 पेयर्स, राइट। आपने क्लास 10th में रिप्रोडक्शन में आपने सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ा होगा, और 8th क्लास में भी बेसिक आता था रिप्रोडक्शन, तो एट टाइम आपने पढ़ा था 8th और 10th क्लास में ह्यूमन सेक्स डिटर्मिनेशन, जिसमें आपने ये पढ़ा था कि अगर क्रोमोसोम के पेयर अगर हम देखें, तो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ कि 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है और 23 पेयर है, तो 23 पेयर जो है वो 22 ऑटोसोम की पेयर में होती है, 22 विल बी दी ऑटोसोम्स, वाइल 2 और आई कैन से 1 पेयर जो होती है दैट इज सेक्स क्रोमोसोम, हम उसको क्या कहते हैं, सेक्स क्रोमोसोम। सेक्स क्रोमोसोम की अगर हम बात करें तो सेक्स क्रोमोसोम दो होते हैं, या तो एक्स एक्स या फिर एक्स वाई। अगर फीमेल है तो ये डिजिट जो है वो होगा डबल एक्स, और अगर मेल है तो ये डिजिट कौन सा हो जाएगा बच्चों, एक्स वाई हो जाएगा। तो सेक्स डिटर्मिनेशन में आपने ये पढ़ा था कि वाई क्रोमोसोम जो है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट, वाई क्रोमोसोम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन, जिसमें ये हमें पता चलेगा कि जो पर्सन एक्स वाई जेड जो ह्यूमन बीइंग है वो मेल है कि फीमेल है, यहां से हमें पता चलता है, राइट।
ये आप पढ़ चुके हो ऑलरेडी राइट। आगे बात करते हैं, अगर मुझे इसकी स्टडी करनी है क्रोमेटिन फाइबर मतलब क्रोमोसोम की अगर मुझे बात करनी है, सो आई हैव टू यूज अ माइक्रोस्कोप राइट, तो ये नेकेड आई से नहीं दिखता है। माइक्रोस्कोप में भी मैं स्पेसिफिक माइक्रोस्कोप यूज करूंगा और वो माइक्रोस्कोप होगा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। विच वन? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। जैसे ही मैंने आपको बताया भाई इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है वो दो अलग अलग तरीके से होता है, दो अलग अलग टाइप है, एक होता है SEM और दूसरा होता है TEM। कितने टाइप है बच्चों? दो टाइप है। कौन कौन से टाइप है भाई? एक है सेम और दूसरा है टेम। सेम यानी कि स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, टेम यानी कि ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। दोनों के बीच का अगर मैं बेसिक डिफरेंस ले लूँ तो सेम स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप सरफेस को स्कैन करता है, सेल की एक सरफेस को स्कैन करता है, जबकि अगर मैं ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बात करूं तो सेल के अंदर जाकर सेल ऑर्गेनल्स की स्कैनिंग करता है। तो यहां पर हमें अगर क्रोमोसोम्स को देखना है तो हमें डेफिनेटली TEM ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमें सेल के अंदर झांकना है और ऊपर से अंदर जाने के बाद हमें न्यूक्लियस के अंदर झांकना है। हमें क्या देखना है? न्यूक्लियस के अंदर देखना है। जब हम न्यूक्लियस के अंदर जाएंगे तब जाके हमको क्या दिखेगा? क्रोमोसोम दिखेगा राइट। तो यहाँ क्या लिखा है? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडीज सो दैट क्रोमेटिन फाइबर कंसिस्ट ऑफ अ स्ट्रिंग ऑन बीड लाइक स्ट्रक्चर। स्ट्रिंग ऑन बीड, आपने वो मोतियों की माला देखी होगी राइट, जिसमें एक थ्रेड पास होता है। उस थ्रेड को आप कंसिडर करेंगे, जो थ्रेड है उसको आप क्या कंसिडर करेंगे? आप कंसिडर करेंगे उसको DNA। उस थ्रेड को आप क्या कंसीडर करेंगे? DNA कंसीडर करेंगे। और जो मोती है राइट, जो मोती है उस मोती को आप कंसीडर करें ऑक्टामर। आप क्या कंसीडर करेंगे? ऑक्टामर, जिसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट चार हिस्टोन प्रोटीन जो मॉलिक्यूल अरेंज होते दिखेंगे, चार प्लस चार दैट इज एट राइट। तो इसको हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोसोम। नाउ द न्यूक्लियोसोम्स दे आर द स्मॉलर इन यूकैरियोटिक सेल। ये आप नोट करिएगा, जो न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर फॉर्म होता है इसमें यूकैरियोटिक सेल में दैट विल बी स्मॉलर, छोटा होता है। क्लियर? नाउ द साइज ऑफ द क्रोमोसोम दैट कैन बी मेजर्ड एट अ मेटाफेज ड्यूरिंग द माइटोसिस। अब सेल डिवीजन आपका नेक्स्ट चैप्टर आएगा, चैप्टर नंबर 10। सेल कंप्लीट होने के बाद हम बायोमोलिक्यूल्स स्किप करेंगे एंड विल जंप टू दिस सेल साइकिल, ताकि आपको सेल की बात तुरंत सेल साइकिल समझ में आ जाए राइट। तो यहाँ सेल साइकिल में जो माइटोसिस और मियोसिस के दो फेज होते हैं, उसमें जो माइटोसिस का फेज है उसमें जो मेटाफेज है, उस मेटाफेज के फेज के टाइमिंग में आपको क्या देखने को मिलेंगे? क्रोमोसोम मेजरमेंट में अगर आप क्रोमोसोम देखेंगे तो वहां पर आपको उसकी साइज पता चलेगी राइट। अब यहाँ क्रोमोसोम की साइज जो 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो 1 टू लेकर 46 तक आप जाओगे तो वो वेरी करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट राइट। तो यहाँ सबसे स्मॉलेस्ट की अगर हम बात करें, सो द स्मॉलेस्ट क्रोमोसोम दैट इज 0.25 माइक्रोन। सिंबल जो है, यूनिट जो है वो है माइक्रोन, विच इज ऑब्जर्व इन फंजाई एंड बर्ड्स। अगर हम फंजाई एंड बर्ड्स की बात करें तो वहां पर ये साइज हो जाती है 0.25 माइक्रोन, वाइल द लार्जेस्ट वन जो है वो प्लांट में है दैट इज ऑफ 30 माइक्रोन। लार्जेस्ट क्रोमोसोम कहाँ प्रेजेंट है? प्लांट में प्रेजेंट है। साइज क्या है? 30 माइक्रोन, और वो प्लांट का नाम है ट्रिलियम, साइंटिफिक नेम है ट्रिलियम ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब देखो यहां पर आपको वेरी की हुई साइज आपको देखने को मिलेगी क्रोमोसोम्स की। न्यूक्लियोसोम जो होता है दे आर गोइंग टू कंसिस्ट ऑफ डीएनए, जो अभी मैंने आपको बताया। अगर मुझे न्यूक्लियोसोम डिफाइन करना है, बताना है, तो मैं क्या बताऊंगा? सो इट्स कंसिस्ट ऑफ स्ट्रिंग ऑफ डीएनए व्हिच इज कॉइल्ड अराउंड अ ऑक्टामर ऑफ 8 हिस्टोन मॉलिक्यूल। और ये जो 8 हिस्टोन मॉलिक्यूल है उसमें क्या क्या प्रेजेंट है? H2A के दो मॉलिक्यूल, H2B के दो मॉलिक्यूल, H3 के दो मॉलिक्यूल और H4 के भी दो मॉलिक्यूल राइट। नाउ नेबरिंग न्यूक्लियोसोम जो होते हैं दे आर कनेक्टेड टू अ सिंपल स्मॉलेस्ट डीएनए दैट इज नोन एज लिंकर डीएनए और स्पेसर डीएनए। क्या कहते हैं इसको? लिंकर डीएनए और स्पेसर डीएनए विच इज मोर एक्सपोज टू द एंजाइम। अब लिंकरों को मैं कैसे कंसिडर करूंगा? जैसे अगर हम इसको एग्जाम्पल के तौर पर समझा, तो जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ फॉर एग्जाम्पल दो अलग अलग गोले बने हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल ये है एक बड़ा सा गोला बना हुआ है, एक यहाँ पर बना हुआ है, एक यहाँ बना देते हैं। ये क्या है? ऑक्टामर है, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट है? 8 डिफरेंट डिफरेंट हिस्टोन मॉलिक्यूल। ऐसे मैंने दो गोले यहाँ पर बनाए, ठीक है, एक यहाँ पर बना दिया,
टोटल कितने बना दिए मैंने, तीन बना दिए, ठीक है। अब आप ये समझिए कि इस तीनों के ऊपर जैसे ही मैंने बताया आपको, डीएनए मॉलिक्यूल जो है वो ऐसा रेप होएगा, देखिए ये एक रेप होके गया और ये कट नहीं होगा, दूसरे के ऊपर रेप होगा, आगे बढ़ेगा, ऐसा सो ऑन ऐसा होता जाएगा, राइट। अब आपको जो यहाँ पर इन दोनों के बीच में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये हैंगिंग स्ट्रक्चर दिस वन, उसको कहते हैं लिंकर डीएनए और स्पेसर डीएनए। गेटिंग और नॉट, किसको कहते हैं लिंकर डीएनए और स्पेसर डीएनए, इन दो मॉलिक्यूल के बीच में जो डीएनए का स्ट्रैंड प्रेजेंट है उसको, जो दोनों हिस्टोन के जो ऑक्टामर है उसको कनेक्ट करने का काम करता है। नाउ द क्रोमेटिन फाइबर्स आर फंडामेंटली कंसिस्ट ऑफ लार्जर मॉलिक्यूल्स ऑफ दी डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड एंड मेनी न्यूक्लियर प्रोटीन, जो हमने अभी अभी बात जस्ट करी, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड यानी कि डीएनए और न्यूक्लियर प्रोटीन यानी कि यहाँ पर हिस्टोन्स की बात हो रही है, राइट। नाउ द प्रोटीन्स आर ऑफ टू टाइप्स, यहाँ पर जो प्रोटीन्स है वो दो अलग अलग टाइप के होते हैं, एक होता है बेसिक हिस्टोन, नोट करते जाइएगा, नोट्स बनाइए, एक होता है बेसिक हिस्टोन्स और जो दूसरा होता है वो होता है नॉन बेसिक हिस्टोन्स, राइट। हिस्टोन्स दे आर स्ट्रक्चरल प्रोटीन, जनरली हिस्टोन जो है वो स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, तो इसको हम क्या कंसिडर करते हैं, स्ट्रक्चरल प्रोटीन, जबकि नॉन हिस्टोन को हम कहते हैं फंक्शनल प्रोटीन, क्योंकि वो एक फंक्शन प्रोवाइड करता है। सी यहाँ अगर आप क्रोमोसोम की साइज के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो आपको क्रोमोसोम की साइज जो है वेरी दिखेगी, चार अलग अलग टाइप की क्रोमोसोम की साइज अवेलेबल है, टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम बेस्ड ऑन द पोजिशन ऑफ द सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर मतलब आपको जो सेंटर में पोर्शन दिखता है ना, That is known as centromere, right, ये वाला। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, एक होता है telocentric, that one ये, एक को हम क्या कहते हैं telocentric, जिसमें आपको नीचे long arm देखने को मिलेंगे और ऊपर बहुत ही minute छोटा सा arm देखने को मिलेगा, arm छोटा सा एक portion देखने को मिलता है, तो उसको हम क्या कहते हैं telocentric, तो ये हो गया telocentric। अगर सेकंड की बात करें दैट इज एक्रोसेंट्रिक, बी इज एक्रोसेंट्रिक, जिसमें आर्म शॉर्ट होता है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसके मुकाबले इसका ऊपर वाला जो आर्म है थोड़ा बड़ा है, नीचे तो लॉन्ग है ही, राइट। और अगर हम थर्ड पे जाए दैट इज सब मेटासेंट्रिक, तो अगर आप देखें तो नीचे का पोर्शन थोड़ा ज्यादा लंबा दिखेगा और ऊपर वाला जो आर्म है वो भी ज्यादा लंबा है, लेकिन कंपेरिजन में ये जो ऊपर वाले दोनों आर्म है वो नीचे के मुकाबले छोटे ही रहेंगे। एंड द लास्ट वन इज मेटासेंट्रिक, मेटासेंट्रिक सबसे बड़ा क्रोमोसोम प्रेजेंट है और उसके ऊपर आपको एक एडिशनल डीएनए मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा जो दिखेगा, जिसको हम सैटेलाइट डीएनए कहते हैं, राइट। जिसमें नीचे मेटासेंट्रिक में जो लेंथ है इस आर्म की वो लेंथ लंबी होगी और ऊपर वाला की भी लंबी, एक्चुअली ये इक्वेशनल होगी दोनों के, दोनों बराबर में इसको कंसिडर कर सकते हैं, क्लियर। आगे बात करते हैं क्या लिखा है, एवरी क्रोमोसोम एसेंशियली हैज अ प्राइमरी कंस्ट्रक्शन और द सेंट्रोमियर ऑन द बेसिस ऑफ विच डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर दैट इज काइनेट कोर आर प्रेजेंट, यहाँ पर आपको एक और चीज डिस्क लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा जिसको हम कहते हैं काइनेटो कोर, अटैचमेंट का काम करता है, राइट। और ये जो दो चीज आपको देखने को मिलेगी इसको हम इंडिविजुअली सिस्टिक क्रोमेटिड कहते हैं, राइट। जैसे ये वाला एक आपको देखने को मिलेगा और एक इस साइड पर देखने को मिलेगा, ये दोनों के दोनों यहाँ पर सेंट्रोमियर से कनेक्टेड है, काइनेटो कोर से कनेक्टेड है, उसको हम क्या कहते हैं सिस्टिक क्रोमेटिड, यानी दो सेपरेट सिस्टिक क्रोमेटिड है जो एक दूसरे के साथ अटैच होने वाली है, राइट। नाउ बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ द सेंट्रोमियर, उस सेंट्रोमियर की पोजीशन के अकॉर्डिंग मैंने जैसे आपको बताया यहाँ चार अलग अलग टाइप है, एक पहला मेटासेंट्रिक, सेकेंड सब मेटासेंट्रिक, देन कम्स एक्रोसेंट्रिक एंड लास्ट वन इज टेलोसेंट्रिक, जिसके बारे में अभी अभी जस्ट हमने डिस्कस किया है, राइट। यहाँ क्या लिखा है, मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम हैज मिडल सेंट्रोमियर, दोनों के बीच में होता है, दैट मीन्स जो दोनों इक्वल आर्म बनेंगे ऊपर नीचे के जो आर्म है वो इक्वली बनेंगे। सब मेटासेंट्रिक की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ जो सेंट्रोमियर है वो दैट विल बी द नियर टू द वन एंड, किसी एक एंड के आसपास होगा, जिसकी वजह से एक आर्म शॉर्ट होगा और दूसरा लॉन्ग होगा, देखिए ये ऊपर वाला शॉर्ट है नीचे वाला। Then comes acrocentric chromosome, that is the centromere जो होता है that is to close exit end point पे आपको देखने को मिला। Acrocentric में आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा, end portion को ज़्यादा ही नजदीक आ जाएगा। और जो last one है telocentric, that chromosome has the terminal centromere, जिसमें आपको exit terminal आपको end पे देखने को मिलेगा। थोड़ा सा connecting concept है यहाँ पर histone and all, so यहाँ connecting concept अगर मैं लूँ तो यहाँ क्या लिखा है, the unit of measurement of DNA, अगर मुझे डीएनए को मेजर करना है तो किस यूनिट पे लूंगा, इसको कहते हैं पाइकोग्राम। क्या कहते हैं, पाइकोग्राम, द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ डीएनए इज अ पाइकोग्राम, राइट, दैट इज 10^-12 ग्राम।
कन्वर्जन अगर करें तो 10^-12 ग्राम इज इक्वल टू 1 पाइकोग्राम, राइट। नाउ अ डबलेट या फिर आई कैन से डबलेट या फिर आई कैन से डाइप्लोइड, यानी कि मैं बात कर रहा हूं 2n46 क्रोमोसोम की, अ डाइप्लोइड सेल ऑफ ह्यूमन बीइंग इज हैविंग 5-6 पाइकोग्राम ऑफ डीएनए, यानी कि 174 सेंटीमीटर जितना होता है, एंड द टोटल अमाउंट ऑफ डीएनए इन अ ह्यूमन बीइंग इज एस्टिमेटेड टू अप्रोक्सीमेटली 100 ग्राम। दैट मींस इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी भाई, 2.5 × 10^10 किलोमीटर। ये मान के चलिए कि इंडिविजुअल सेल में जैसे मैंने आपको बताया टोटल डीएनए कंटेंट जो है 2.2 मीटर है, अगर हमारी बॉडी के सारे डीएनए को निकाल के एक लंबा सा अगर एक नॉर्मल सा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाया जाए तो हम यहाँ से मून पे चांद पे 17 टाइम जाके आ सकते हैं, 17 बार हम जाके आ सकते हैं, उतनी लंबी लेंथ होती है। और कितना वेट लिखा है यहाँ पर 100 ग्राम, कितना लिखा है 100 ग्राम, और एक सेल में कितना लिखा है 5-6 पाइकोग्राम। मीट के पर्सपेक्टिव से ये इंपॉर्टेंट होता है अमाउंट और कंटेंट ऑफ द डीएनए इन एन इंडिविजुअल सेल इज 5-6 पाइकोग्राम, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 174 सेंटीमीटर। जबकि अगर हम टोटल बात करें तो 100 ग्राम जितना होता है ह्यूमन बीइंग में जो करीबन 2.5 × 10^10 किलोमीटर होता है, राइट। बाकी हिस्टोन्स की बात है, हिस्टोन्स आर रिच इन बेसिक अमाइनो एसिड्स डीएनए एंड हिस्टोन, दे आर एसोसिएटेड टू फॉर्म अ न्यूक्लियोप्रोटीन कॉम्प्लेक्स जिसको हम क्या कहते हैं स्पेसिफिकली हिस्टोन प्लस डीएनए कंबाइन होकर ऑक्टामर बनाते हैं। हिस्टोन्स जो है 5 टाइप्स के होते हैं जिसमें H1 जो मैं आपको बता रहा हूँ जो दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट करने का काम करता है ताकि वो लूज ना हो जाए उसको कहते हैं, उसमें जनरली लाइसिन प्रोटीन ज़्यादातर होता है, अमाइनो एसिड ज़्यादातर होता है। बाकी तो H2 है, H2B की अगर हम बात करें तो लाइसिन स्लाइटली ज़्यादा होता है, बाकी H3 H4 में आर्जिनिन ज़्यादा होता है। नाउ हिस्टोन्स जो होते हैं दे आर आइसोलेटेड फ्रॉम द डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, दे आर सो सिमिलरिटी बट दे हैव रेगुलेशन का फंक्शन अगर हम देखें यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द जीन एक्टिविटी थोड़ी थोड़ी सी डिफरेंट हो सकती है, राइट। और जो नॉन हिस्टोन्स प्रोटीन होते हैं इट शोज ग्रेट वेरिएबिलिटी एंड ऑल्सो परफॉर्म अ रेगुलेटरी रोल, रेगुलेशन का काम भी करते हैं नॉन हिस्टोन जनरली, उसी के लिए फेमस है नॉन रेगुलेटरी, जो रेगुलेशन का काम होता है वही वो जनरली करते हैं, राइट। यहाँ तक आप सबको क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम की, राइट। क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा डिटेलिंग करनी है, तो यहाँ जितने भी क्रोमोसोम प्रेजेंट है मैंने आपको बताया एक इंडिविजुअल सेल में कितने होते हैं 46 होते हैं, राइट। अब यहाँ क्या लिखा है कि जो क्रोमोसोम होता है इट इज गोइंग टू कंसिस्ट ऑफ 2 कॉइल्ड फिलामेंट, पूरी अगर आप लेंथ देखें तो आपको 2 सेपरेटली एक 2 अलग अलग कॉइल्ड फिलामेंट मिलेंगे और उसको हम कहते हैं क्रोमोनेमाटा, क्या कहते हैं हम क्रोमोनेमाटा। अब इसको एक साथ बोले तो क्रोमोनेमाटा, क्या कहते हैं क्रोमोनेमाटा, दे आर हैविंग अ बीड लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम क्रोमोमियर्स कहते हैं, बीड लाइक स्ट्रक्चर जैसे मोती की माला होती है ना उस टाइप का, उसको क्या कहते हैं क्रोमोमियर्स, विच आर थॉट टू बी द जीन बियरिंग पोर्शन ऑफ क्रोमोसोम, दैट इज द थॉट टू बी द जीन बियरिंग पोर्शन ऑफ क्रोमोसोम्स। नाउ ईच क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ 2 आर्म्स, हर एक क्रोमोसोम की अगर हम बात करें तो वो 2 अलग अलग आर्म से बना है जिसको हम क्रोमेटिड्स कहते हैं सेपरेटली, दैट वाज सिस्टिक क्रोमेटिड कहते हैं, राइट। नाउ द 2 क्रोमेटिड्स आर कनेक्टेड एट द सेंट्रोमियर और प्राइमरी कंस्ट्रक्शन, जो हमने अभी अभी जस्ट इससे पहले मैंने आपको बताया दोनों एक दूसरे के साथ कहां पर कनेक्ट होते हैं, दैट वन। देखिए यहाँ अगर आप देखेंगे स्ट्रक्चर को तो यहाँ आपको सेंटर में क्या देखने को मिलेगा सेंट्रोमियर्स, और इस क्रोमोसोम में सेंटर में नहीं है कहीं ऊपर की साइड पे, राइट, या तो एक्रोटेलिक हो जाएगा ये, राइट। डिपेंडिंग ऑन द सेंट्रोमियर्स क्रोमोसोम के टाइप्स होते हैं, ये क्या हो गया अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या हो जाएगा सिंपली अगर आप मुझे बताएंगे तो। नाउ अब यहाँ क्या लिखा है देखो, जो क्रोमो स्टार्टिंग में भी जो हमने बात की क्रोमोनेमाटा, ये देखो कहाँ पर है इसके अंदर है आउटर सरफेस में, आपको यहाँ पर मैट्रिक्स दिख रहा है पेलिकल भी दिख रहा है, राइट। सो नाउ द क्रोमोनेमाटा जो होता है दे आर दी बाउंडेड बाय सीट दैट इज नोन एज पेलिकल, सीट का नाम क्या है पेलिकल, जिससे वो पूरा का पूरा कवर रहता है। अगर आप स्ट्रक्चर को भी देखेंगे ध्यान से तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। नाउ दिस पेलिकल जो होता है दैट इज प्रेजेंट ओनली एट द मेटाफेज एंड न्यूक्लियोलस डिसअपियर्स, जब सेल डिवीजन आपको पढ़ाऊंगा डिटेल बताऊंगा कि किस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट चेंजेस आते हैं,
दैट एक ऐसा फेज भी आता है मेटाफेज जिसके अंदर न्यूक्लियोलस जो है वो डिसअपियर हो जाता है, एट दैट टाइम आपको पेलिकल देखने को मिलेगा राइट। बिसाइड्स द प्राइमरी कॉन्स्टिट्यूशन एंड की सेंट्रोमियर के अलावा अगर बात करें सो इन सम क्रोमोसोम्स देयर इज प्रेजेंट ऑफ सेकेंडरी कॉन्स्टिट्यूशन, क्या प्रेजेंट होता है सेकेंडरी कॉन्स्टिट्यूशन भी प्रेजेंट होता है एंड ड्यू टू दिस अ स्मॉल पोर्शन इज पिंच ऑफ, एक छोटा सा पोर्शन पिंच ऑफ हो जाता है क्रोमोसोम की बॉडी से बाहर राइट। नाउ दिस पोर्शन जो थोड़ा सा पिंच ऑफ होकर बाहर आ जाता है उसको हम कहते हैं सैटेलाइट डीएनए, क्या कहते हैं हम सैटेलाइट डीएनए या फिर ट्रबंट डीएनए जो आपको मैंने यहाँ ऊपर की साइड पे यहाँ पर आगे जस्ट दिखाया था सी हो रही है दिस वन सैटेलाइट पोर्शन जो छोटा सा पिंच आउट है, क्या है छोटा सा पिंच आउट है राइट। इस क्रोमोसोम को हम उसके अलावा एक और नाम यहाँ दिया है SAT सेट क्रोमोसोम भी कहते हैं। सेट का पूरा नाम क्या है नोट करिए साइन एसिड थाइमोन्यूक्लिको, नोट करिए साइन एसिड थाइमोन्यूक्लिनिको दैट इज हैविंग थाइमोन्यूक्लिक एसिड, ये थोड़ा अलग टाइप हो गया। क्या प्रेजेंट है इसके पास थाइमोन्यूक्लिक एसिड ओके। थाइमोन्यूक्लिक एसिड की अगर हम बात करें तो जनरली ये क्या होता है ट्यूमर्स में जनरली प्रेजेंट होता है, अलग अलग सेल्स में होता है थाइमोन्यूक्लिक एसिड जो बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। जनरली अगर यूवी लाइट से अगर हम यहाँ एब्जॉर्प्शन की बात करें तो यूवी लाइट जो है उससे एब्जॉर्प्शन भी हो सकता है थाइमोन्यूक्लिक एसिड का। जनरली एक क्रोमेटिन कॉम्प्लेक्स की अगर बात करें तो उसमें 40% अमाउंट थाइमोन्यूक्लिक एसिड का हम कंसिडर कर लेते हैं ठीक है। नाउ ये जो सेट है जो आउट ऑफ क्रोमोसोम है छोटा सा एक डीएनए का पोर्शन जिसको हम कह सकते हैं जो आउट ऑफ क्रोमोसोम से निकला हुआ है ये जनरली मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम में आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगा राइट। समटाइम्स टू सेटेलाइट दोनों सेपरेट क्रोमेटिन पे प्रेजेंट होते हैं उसको कहते हैं टैंडम टेंडम सेट क्रोमोसोम्स, क्या कहते हैं उसको टेंडम सेट क्रोमोसोम्स। नेक्स्ट सेट क्रोमोसोम जनरली जो होता है उसको हम मार्कर क्रोमोसोम भी कहते हैं राइट। मार्कर क्या होता है इंडिकेशन किसी चीज को मार्क करना यस आगे बहुत ज्यादा रिसर्च फील्ड में जब हम जाते हैं तो वहां पर काफी सारी चीजों में हेल्प करते हैं मार्कर डीएनए आते हैं एंड ऑल राइट। नाउ द एंड्स ऑफ द क्रोमोसोम जो एंड होता है क्रोमोसोम को दैट इज नोन एज टेलोमियर्स, हम एंड को क्या कहते हैं टेलोमियर्स विच डू नॉट है यूनाइट विद एनी अदर स्ट्रक्चर किसी और दूसरे स्ट्रक्चर के साथ एसोसिएट नहीं रहेगा और उसका जो काम है फंक्शन की बात करें तो दैट इज द मेंटेनिंग द इंडिविजुअलिटी ऑफ द क्रोमोसोम, टेलोमियर्स इंडिविजुअलिटी मेंटेन करता है एक क्रोमोसोम की राइट। अब यहाँ पर दो क्रोमेटिन है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, एक होता है हिटरोक्रोमेटिन एंड द सेकेंड वन इज द यूक्रोमेटिन राइट। हिटरोक्रोमेटिन की बात करें टर्म हिटरोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन दैट इज गिवन बाय अ फेमस साइंटिस्ट इन 1928 दैट इज ईमिल हेल्ट्स, अभी तक आपने इसका नाम बहुत ही शायद सुना हो या कम ही सुना होगा बट ये आगे जाके मास्टर्स वगैरह में ज्यादा आता है ईमिल हेल्ट्स। क्रोमोसोम जो होते हैं दे आर स्टेन विद द बेसिक डाइज लाइक एक्सेप्ट जैसे हमने बोला कि भाई स्टार्टिंग में कि बेसिक डाई यूज करते हैं इसको स्टेन करने के लिए कलर करने के लिए तो उसमें एग्जाम्पल दिया है एसिटोकारामाइन, बेसिक डाई का एग्जाम्पल क्या है एक यहाँ दिया है एसिटोकारामाइन और दूसरे की अगर हम बात करें दैट इज फ्यूलजन, सेकेंड जो है फ्यूलजन जो बेसिक है फिक्सिंग का तो उसके बेसिस पे अगर हम बात करें तो यहाँ पर दो अलग अलग टाइप के बन जाते हैं एक होता है हिटरोक्रोमेटिन एंड सेकेंड वन विल बी यूक्रोमेटिन राइट। तो अगर मैं हिटरोक्रोमेटिन रीजन की बात करूँ यहाँ पर तो वो क्या होता है दीज रीजन्स गेट्स डार्क स्टेन ड्यूरिंग द इंटरफेस, सेल डिवीजन के इंटरफेस में डार्क स्टेन होता है एंड दिस रीजन इज जनरली प्रेजेंट टूवर्ड्स द एंड ऑफ द क्रोमोसोम, कहाँ पर प्रेजेंट होता है टूवर्ड्स द एंड ऑफ द क्रोमोसोम एंड नियर द प्राइमरी कंस्ट्रक्शन और सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर बिल्कुल नजदीक होता है एंड दिस इज अ जेनेटिकली इनएक्टिव रीजन विच इज हैविंग लेस अमाउंट ऑफ डीएनए, डीएनए जो यहाँ अमाउंट प्रेजेंट है बहुत ही ज्यादा यहाँ पर कम होगा इनएक्टिव है जेनेटिकली हिटरोक्रोमेटिन रीजन। और अगर हम यूक्रोमेटिन की बात करें दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पोर्शन, क्यों वाई क्योंकि ये जेनेटिकली एक्टिव रीजन है रिच इन द डीएनए राइट। दिस रीजन गेट्स लाइट स्टेन ड्यूरिंग द इंटरफेस, ज्यादा डार्क स्टेन नहीं होगा लाइट होगा और ये जो पोर्शन है वो जेनेटिकली एक्टिव रहेगा रिच इन डीएनए कंटेंट हो जाएगा जबकि
नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है न्यूक्लियोलस, दैट इज द फोर्थ पोर्शन ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियस। सो न्यूक्लियोलस की बात करते हैं, छोटा सा कंस्पिशियस डार्कली स्टेन्ड स्फेरिकल स्ट्रक्चर है, जनरली जो हमें न्यूक्लियोप्लाज्म में देखने को मिलता है। इसका लोकेशन है न्यूक्लियोप्लाज्म, दैट इज द इनसाइड द न्यूक्लियस, हम कहां देखने को मिलेंगे, न्यूक्लियस के अंदर, राइट। कंटेंट की बात करें तो द कंटेंट है न्यूक्लियोलस का, दैट इज कंटिन्यूस विद द रेस्ट ऑफ द न्यूक्लियोप्लाज्म एज इट इज नॉट अ मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। ये पूरा वहां पर फैला हुआ आपको देखने को मिलेगा, कहां पर, न्यूक्लियोप्लाज्म में, ये बाउंडेड बिल्कुल भी नहीं है। अगर इसकी डिस्कवरी थोड़ा सा पीछे जाके न्यूक्लियोलस की हिस्ट्री की बात करें तो सबसे पहले फोंटाना नाम के साइंटिस्ट ने 1781 में इसको डिस्क्राइब किया था, और इसका जो नाम है न्यूक्लियोलस वो बाउमैन नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। हिस्ट्री क्या कह रही है, न्यूक्लियोलस जो है दैट इज फर्स्ट डिस्क्राइब बाय फोंटाना इन 1781 एंड नेम जो है दैट इज गिवन बाय बाउमैन। आगे बढ़े, सो द न्यूक्लियोलस जो होता है दैट इज अटैच्ड टू द न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजिंग रीजन, यहाँ एक NOR रीजन प्रेजेंट होता है जिसके साथ ये अटैच होता है इन द पेरी सॉरी इन द पार्टिकुलर न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन क्रोमोसोम। कहाँ पर प्रेजेंट होता है, पर्टिकुलर न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजिंग क्रोमोसोम के साथ ये प्रेजेंट होता है, लोकेटेड नजदीकी होता है स्पेसिफिकली NOR रीजन में, दैट इज न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजिंग रीजन। जनरली अगर मैं इसकी मेटअप की बात करें तो इट इज कम्पोज ऑफ अ लार्ज अमाउंट ऑफ राइबोसोम, इससे बना है मेटअप ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ राइबोसोमल प्रोटीन्स एंड राइबोसोमल आरएनए, यानी कि आरआरएनए। आपने आरएनए के टाइप्स पढ़े होंगे ना, तीन टाइप थे, आरआरएनए दैट इज राइबोसोमल आरएनए, टीआरएनए दैट इज ट्रांसफर आरएनए, एंड एक होता है एमआरएनए दैट इज मैसेंजर आरएनए, राइट। नाउ द न्यूक्लियोलस स्टोर्स द आरएनए, न्यूक्लियोलस का काम क्या है, स्टोरेज किसकी, आरआरएनए। आपको पता है राइबोसोमल आरएनए कहां काम आएगा, ट्रांसलेशन, जब हम सेंट्रल डॉग्मा ऑफ लाइफ अब 12th क्लास में पढ़ेंगे ना तो एट टाइम आएगा जिसमें रेप्लिकेशन प्रोसेस होती है, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होती है एंड ट्रांसलेशन की प्रोसेस होती है, वहां पर आपको ये राइबोसोम्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, राइट। सो द न्यूक्लियोलस स्टोर्स द आरआरएनए मॉलिक्यूल व्हिच आर सिंथेसाइज्ड बाय न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजिंग रीजंस दैट इज NOR दैट इज नोन एज RDNA, राइट। फर्दरमोर आप RDNA टेक्नोलॉजी पढ़ोगे बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर के अंदर, एंड ऑल इट इज अ साइट ऑफ एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस। सी क्या काम करता है, अगर हम बात करें कौन सी साइट प्रोवाइड कर रहा है, तो एक्टिव साइट प्रोवाइड कर रहा है जिसमें राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस होता है, राइट। न्यूक्लियोलस जो होता है दैट इज नोन एज राइबोसोमल फैक्ट्री, न्यूक्लियोलस को हम क्या कह सकते हैं, दूसरा नाम दिया है राइबोसोमल फैक्ट्री, वहां से राइबोसोम बन रहे हैं, राइट। नाउ लार्ज एंड मोर न्यूमरस न्यूक्लियाई जो होता है दे आर प्रेजेंट इन द सेल्स एक्टिवली कैरी आउट विद द प्रोटीन सिंथेसिस, जहां पर जनरली क्योंकि राइबोसोम प्रेजेंट है और राइबोसोम का आपको पता है फंक्शन क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस का होता है। यहां अगर मैं इसके फंक्शन की बात करूं तो फंक्शन क्या है न्यूक्लियोलस के, सॉरी न्यूक्लियस के फंक्शन क्या है, चार टाइप हमने पढ़ लिया। फंक्शन की बात करते हैं स्पेसिफिक, आप सबको पता है कि जो न्यूक्लियस है उसको हम ब्रेन कहते हैं, कंट्रोलिंग सेंटर है एक सेल का, जो पहला ही क्या है, इट इज कंसिडर एज कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ द सेल, सेल का, सेल की सारी एक्टिविटी को ऑलमोस्ट वो कंट्रोल करता है, तो एक फंक्शन हो गया कंट्रोलिंग सेंटर। सेकेंड, न्यूक्लियस कंटेन जेनेटिक इंफॉर्मेशन, जेनेटिक इंफॉर्मेशन दैट इज इन द फॉर्म ऑफ DNA, इस फॉर्म में प्रेजेंट है DNA दैट इज फॉर द रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। फर्दर मोर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन कंटिन्यूटी, एक जो स्पीसीज है उसकी कंटिन्यूटी के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, तो जेनेटिक इंफॉर्मेशन, राइट। नाउ थर्ड क्या कह रहा है कि जो न्यूक्लियस होता है दैट इज गोइंग टू मेंटेन सेल स्ट्रक्चर एंड ब्रिंग्स अबाउट इट्स ग्रोथ, सेल की स्ट्रक्चर को मेंटेन करता है, मेंटेन द सेल स्ट्रक्चर एंड ब्रिंग्स अबाउट द ग्रोथ बाय डायरेक्टिंग द सिंथेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोटीन, स्ट्रक्चरल प्रोटीन का डायरेक्शन करता है। सेंट्रल डॉग्मा में आप पढ़ोगे कि भाई DNA सबसे पहले रेप्लिकेट होकर DNA बनेगा, द DNA इज ट्रांसक्राइब इन टू mRNA मैसेंजर RNA, ये mRNA जो है उसके पास पूरा मैसेज है जो फर्दर मोर इसमें कॉपी हो जाएगा प्रोटीन में, इसमें कॉपी हो जाएगा प्रोटीन में, क्लियर है। नेक्स्ट यहां पर क्या लिखा है, जो न्यूक्लियस होता है दैट इज ब्रिंग्स अबाउट सेल मल्टीप्लीकेशन, जरूरत पड़ने पे ये सेल मल्टीप्लीकेशन को भी ट्रिगर करता है, एक से दो सेल बनता है, एक से दो सेल बनने की जो प्रोसेस होती है उसकी बात करो, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट राइबोसोम फॉर्मेशन की अगर हम बात करें
फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम, तो वहां पे भी न्यूक्लियस हेल्प करता है। न्यूक्लियस रेगुलेट्स सेल मेटाबॉलिज्म, सेल मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करने का काम करता है बाय डायरेक्टिंग द सिंथेसिस ऑफ फंक्शनल प्रोटीन्स, बाय द डायरेक्टिंग ऑफ द फंक्शंस ऑफ द प्रोटीन। जनरली यहाँ पर न्यूक्लियस जो है रेगुलेशन का काम करता है, कोई भी प्रोसेस आप ले लो तो उसमें रेगुलेशन बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है, राइट। जैसे आप घर में अगर आप रोटी बना रहे हैं तो रोटी बनाने अगर आपको ना पता है कि भाई आपको कितनी बनानी है, 10 बनाओ, अगर आप एक बार ट्रिगर हो गए जितना आटा है उतनी बनाते जा रहे, 10 15 20, आपको रोकने वाला कोई नहीं है, तो वहाँ वेस्टेज भी तो हो रहा है। तो रेगुलेशन का काम किया वहाँ कंट्रोल, जैसे आपको बोला कि भाई आपको सिर्फ 5 रोटीज बनानी है तो आप 5 के बाद अपने आपको पोज लगा, तो न्यूक्लियस यहाँ पर रेगुलेट करता है सेल मेटाबोलिज्म। मेटाबॉलिज्म में दो प्रोसेस होती है, एक एनाबॉलिज्म एंड सेकेंड वन विद कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म का मतलब होता है सिंथेसिस और कैटाबॉलिज्म का मतलब होता है ब्रेकडाउन। क्लियर हो गया? तो यहाँ हमने न्यूक्लियस जो टॉपिक है वो कवर किया है। हमारी जो अगली क्लास होगी उसमें हम प्लास्टिड को कवर करेंगे, ठीक है बच्चों।